दिल्ली के कई इलाकों में जहां बाढ़ का पानी भरा हुआ था वहां पर से पानी निकल तो गया है, लेकिन कुछ जगह अभी भी ऐसी हैं जहां पर पानी एकदम भरा हुआ आपको नजर आएगा। इस वक्त राजघाट पे हम लोग मौजूद हैं और राजघाट की तस्वीर आपको दिखाएं तो अभी भी आपको पूरा राजघाट जो है वो पानी में डूबा नजर आएगा। लेकिन इस वक्त आज सुबह की जो तस्वीर है उसमें दिखाने की आपको कोशिश करते हैं, राजघाट के बाहर गेट के पास जहाँ पर राजघाट लिखा होता है वो आज आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। हालांकि कल तक ये भी पूरा पानी में डूबा हुआ था, यानी कि पानी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था, लेकिन आज जब राजघाट लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है तो इसको ऐसे समझिए कि पानी का स्तर थोड़ा सा कम हुआ है। जो बैरियर्स हैं वो भी बहुत साफ दिखाई दे रहे हैं, जहां तक गाड़ी जाती है वो भी साफ नजर आने शुरू हो गए हैं। और इसके पीछे की बड़ी वजह ये कि आप देखिए कि जहां पर पानी भरा हुआ था उस पानी को निकालने की कोशिश किस तरीके से की जा रही है, मैं आगे से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं। दरअसल दिल्ली सरकार और प्रशासन ने यह तय किया है कि ये जो राजघाट की एक बड़ी दीवार है उस दीवार का एक बड़े हिस्से को तोड़ दिया गया है। वो इसलिए तोड़ा गया है क्योंकि सामने ड्रेन है और ड्रेन में जो पानी है वो नहीं जा पा रहा था। ऐसे में अब कोशिश ये की गई ड्रेन के बिल्कुल पास की जो दीवार है उसके एक बड़े हिस्से को तोड़ दिया जाए ताकि जो राजघाट के अंदर पानी जमा है उस जमा पानी को निकालने की कवायद की जाए। अब देखिए कितनी तेजी से जो पानी है वो आपको निकलता हुआ नजर आएगा और ड्रेन की तरफ जा रहा है। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि देर शाम तक कम से कम पानी ये यहाँ से इस पूरे इलाके से निकाल दिया जाए। तो ये लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना वो दिन में कई बार कल इस जगह पर पहुंचे थे, उन्होंने अधिकारियों से बातचीत भी की, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी भी यहाँ पर पहुंची थी और देर शाम में तय किया गया कि इस दीवार को तोड़ना बहुत ज़रूरी है वरना जो अंदर पानी फंसा हुआ है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो अब पानी बहुत तेजी से बाहर निकलता हुआ आपको देखिए इस नज़र आएगा इस ड्रेन के जरिए। तो कोशिश ये की जा रही है कि राजघाट में जो पिछले कई दिनों से पानी जमा है उस पानी को अब जल्द से जल्द निकाला जा सके। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर।